कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने शहरी तरमीम कानून के खिलाफ रियासत में होने वाले एहतजाज के दौरान मुजाहरीन पर पुलिस की जानिब से सफाकाना कार्रवाई के लिए योगी हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए पुलिस की पूरी कार्रवाई गैर कानूनी है, इस किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। प्रियंका ने पीर के पार्टी के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू की क्यादत में आनंद बहन पटेल को भेजे गए मेमोरेंडम एहतजाज के दौरान पुलिस की कार्रवाई का आलस दे अदालती जांच का मुतालबा करते हुए इल्जाम लगाया था कि रियासत में पुलिस की सफाकाना कार्रवाई के लिए वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा है कि जब एक रियासत का वज़ीर आला पर अमन मुजाहिरीन के खिलाफ बदला लेने जैसे लफ्जों का इस्तेमाल करता है तो फिर ऐसे रियासती इंतजामिया से और क्या उम्मीद की जा सकती है। ऐसी सूरत में वो लोग तमाम अहदार की धज्जियां उड़ाते हुए न सिर्फ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि अवाम को हिरासा भी करेंगे, क्योंकि उन्हें रियासत के सरबराह की हिदायत पर अमल करना है।